ए हवा जाकर कह दो उन दरबारों से नहीं डरा है नहीं डरेगा लालू इन सरकारों से। इस रिपोर्ट कार्ड में देखिएगा तो पूरा भगुआ है, ये भगुआ चेयर है। यहाँ की सरकार नागपुर से चल रही है, यहाँ के मुख्यमंत्री कैद है। ध्यान से देखिएगा तो तीर भी है, दो हाथ निकला हुआ है और कमल का फूल सीएम के कुर्सी को जकड़ के रखा है। सेना के तीनों अध्यक्ष हिंदू है, चाहे एयरफोर्स का हो, नेवी का हो, आर्मी का हो। देश के राष्ट्रपति हिंदू है, देश के प्रधानमंत्री हिंदू है। ऐसा कोई हमको नहीं लगता कि कोई ऐसा राज्य जहां मुसलमान मुख्यमंत्री हो। तब हिंदू कैसे खतरे में, तब हिंदू कैसे खतरे में है, ये बात हमको समझ में नहीं आता। हम इतना ही कह सकते हैं, हिंदू कभी खतरे में नहीं था ना होगा, कभी नहीं होने वाला है। खतरे में तो उनकी कुर्सी है, इसलिए ये हिंदू को नाम लेकर के कहते हैं हिंदू खतरे में। हमारे पार्टी के राष्ट्रीय जनता दल के गरीबों के मसीहा दादा लालू जी ने भी अस्वस्थ होते हुए भी आप लोगों के लिए संदेश भेजा और अपने राष्ट्रध्वज जी को हम सलाम करते हैं कि इस हालत में भी, इस परिस्थिति में भी वो झुकने को तैयार है और लेफ्ट पार्टी के साथ साथ पूरे देश में पहला ऐसा रीजनल पार्टी होगा बिहार कि कभी भी सांप्रदायिक शक्तियों के आगे हम लोगों ने घुटने नहीं टेके। और महागठबंधन पूर्व में जो बिहार विधानसभा का चुनाव हुआ उसमें भी बड़े मजबूती के साथ लड़ा। यहां बैठे हुए सभी लोगों ने दिन रात खून पसीना बहा करके जी तोड़ मेहनत करके महागठबंधन को सत्ता में ला दिया है। लेकिन कुछ लोग चोर दरवाजे से आकर के सत्ता को हत्याने का काम किया गया। अब ये आरोप पत्र है, इसमें विपक्ष, हम लोगों की ड्यूटी बनती है कि सरकार को आईना दिखाए कहां खामियां रही हैं। और आरोप पत्र के पीछे एक बात लिखी हुई है, किया शोषण उत्पीड़न अत्याचार, दिया बेरोजगारी और भ्रष्टाचार, चोरी से आई चोर सरकार, ले डूबी पूरा बिहार। ये सच्चाई है, इससे कोई छुपा नहीं सकता। और हम आपको बता दें कि बाय इलेक्शन जो बौचहा का हुआ उसमें सभी लेफ्ट साथियों का, सीपीआई, सीपीएम, माले पार्टियों का हम धन्यवाद देते हैं कि हमारे प्रत्याशियों को, जो हमारे कैंडिडेट थे महागठबंधन के, यह जीत आरजेडी की नहीं बल्कि महागठबंधन की और जनता की जीत थी। और 36,000 से हम लोग जीतने का काम किए। बिहार चुनाव में 1,56,00,000 महागठबंधन को वोट मिला और 1,56,00,000 12,000 एनडीए को वोट मिला, वो भी बेईमानी के बाद। अब हमको लगता है बौछाहा चुनाव के बाद महागठबंधन का वोट 12,000 ज्यादा हो गया होगा, उनका घट गया होगा। लेकिन ताजुब है कि वो लोग सत्ता में हैं, तो इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। संपूर्ण क्रांति के बारे में हमसे बेहतर तो यहाँ कई हमारे पार्टी के और अन्य दलों के, जो हमारे घटक दल के जो नेता हैं, वो तो इसमें शामिल रहे। हमारे राष्ट्राध्यक्ष, हमारे पिता तो समय जितने छात्र थे उनके नेतृत्व तो उन्होंने किया। उस समय प्रेसिडेंट थे पटना यूनिवर्सिटी के, उन्होंने भी लाठी खाई और अन्य सदस्यों ने भी लाठी खाई, वो लोग भी जेल गए। लेकिन इसकी शुरुआत जो है आप सब लोग जानते होंगे, जो लोग नहीं भी जानते उनको हम बता देना चाहते हैं कि इसकी शुरुआत जो है 1974 में गुजरात के एक इंजीनियरिंग कॉलेज, एलडी कॉलेज से हुई।
जहाँ छात्रों की मांग थी कि खाद कीमतें और फीस में वृद्धि को लेकर छात्रों ने एक आंदोलन शुरुआत की और उस आंदोलन का नेतृत्व छात्रों ने किया। साथ ही साथ अन्य मुद्दे भी जुड़े, भ्रष्टाचार के, बेरोजगारी के, असमानताएं के, महंगाई के। तो वो जो दौर था जेपी जी के नेतृत्व में पूरा आंदोलन हुआ, कई लोग कितने महीनों महीनों तक लोग जेल में गए। एक देश भर में एक माहौल बना तानाशाही के खिलाफ और हम पूरी तरह से सहमत हैं। इस बात को आदरणीय लालू जी ने भी 2014 में कहा था कि देश टूटेगा या एक रहेगा, ये आप लोगों को फैसला करना है, जनता को फैसला करना है। सरकार में भाजपा आरएसएस के आने के बाद ये भी बात उन्होंने कहा कि देश में अघोषित इमरजेंसी जो है वो लागू, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। आज देखिए क्या माहौल बना हुआ है बिहार में। कुछ लोग कहते हैं डबल इंजन की सरकार, लेकिन ये डबल इंजन की सरकार नहीं, ट्रबल इंजन की सरकार है। आज कोई खुश नहीं, महंगाई चरम सीमा पर, किसान बदहाल है, मजदूरों की कोई बात नहीं करता, छात्र छात्राएं, नौजवान बेरोजगारी, देश की संपत्तियों को बेचा जा रहा है, जहां संविधान हमारा सुरक्षित नहीं है, लोकतंत्र सुरक्षित नहीं है पूरी तरीके से, देश के संपत्ति को रेल सेल सब कुछ जो है बेचा जा रहा है। लेकिन बिहार को ना तो बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिला, ना तो बिहार को विशेष राज्य का पैकेज मिला। आज क्या हुआ? स्मार्ट सिटीज की बात लोग करते थे, बनारस को क्योटो बनाने की बात करते थे, हर साल 2 करोड़ रोजगार देने की बात तो छोड़िए, ये बिहार चुनाव में 19 लाख का रोजगार का वादा किया था, जहां 19 लाख का रोजगार। हमारी बात छोड़िए, विपक्ष की जो सत्ताधारी दल जो है भाजपा, आप उनकी बात कीजिए, उनकी ही आयोग ने, नीति आयोग ने जो रिपोर्ट जो दिया, बिहार हर सूचकांक में, चाहे शिक्षा हो, चिकित्सा हो, हर एक मामले में कुपोषण की बात हो, बिहार सबसे फिसड्डी राज्य में गिना जाता है। क्यों नहीं कोई काम हो रहा? कोई काम ही नहीं हो रहा बिहार का। बिहार बेरोजगारी का केंद्र बना हुआ है और इस पर कोई चिंता नहीं। कोई विभाग देख लीजिए, चाहे पुलिस महकमा देख लीजिए आप, चाहे इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट देख लीजिए आप, हेल्थ डिपार्टमेंट देख लीजिए, एजुकेशन डिपार्टमेंट देख लीजिए, 3 साल में भी जो है ग्रेजुएशन पूरा नहीं हो पाता। लोग जो है बीपीएससी की हालत देख लीजिए, क्या स्थिति बनी हुई है, प्रश्न जो है वो लीक हो जाता। कोई भी सिस्टम जो है सरकार का काम नहीं करता। एक ही काम कर रहे हैं ये सरकार कि समाज में जहर बोने का काम किया। और हम इस बात से भी सहमत है कि हमारा गठबंधन केवल चुनावों का गठबंधन नहीं होना चाहिए, हमारा गठबंधन सिर्फ सत्ता में बदल करके सत्ता में काबिज होने का नहीं होना चाहिए। हमारी चिंता दूर की है, आज अगर हम चुनाव जीत भी जाए, सत्ता में आ भी जाए, लेकिन जो जहर जो समाज में फैला दिया गया है उसको मिटाने में कितनी सदियां लग जाएंगी, इसकी चिंता हम लोग करने की आवश्यकता है। कैसे हम लोग काम करें? आज पूरी कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशन, जितने संवैधानिक संस्थाएं हैं, उनको जो है अपने कब्जे में ले लिया गया। कोई छोटे से बड़े पद पर एक आदमी और आरएसएस के लोगों को बैठा दिया गया है। इसमें कई बार जो है बात, कोई आवाज उठाता है तो अपने तोते से सीबीआई, ईडी और इनकम टैक्स से छापा मरवाने का काम करते हैं, फर्जी केस करवाने का काम करते हैं, डराने का काम करते हैं। लेकिन अभी तो फिलहाल में हम लंदन गए हुए थे, वहां के पार्लियामेंट में जो हाउस ऑफ कॉमन्स बोला जाता, कैम्ब्रिज गए हुए, हमको रात में फोन आया कि भाई छापा पड़ रहा है घर में,
मतलब छापा, आप समझ जाइए। उस छापे के बाद लालू जी ने क्या संदेश दिया? छापे के बाद लालू जी ने यही कहा, ए हवा, जाकर कह दो उन दरबारों से नहीं डरा है नहीं डरेगा लालू इन सरकारों से। हम लोग लड़ने वाले लोग हैं और आज हम लोगों का फर्ज है कि देश की एकता को बचाए, देश की संस्कृति को बचाए। जो हमारा अलग अलग पहनावा है, अलग अलग खान पान है, अलग अलग बोली है, दिखने में अलग अलग लोग हैं, यही हमारी देश की खूबसूरती है। इतनी डाइवर्सिटी है, यही हमारी देश की असली पहचान है। और इस देश के पहचान को इस रिपोर्ट कार्ड में देखिएगा तो पूरा भगवा है, ये भगवा चेयर है। यहाँ की सरकार नागपुर से चल रही है, यहाँ के मुख्यमंत्री कैद है, ध्यान से देखिएगा तो तीर भी है, दो हाथ निकला हुआ है और कमल का फूल सीएम के कुर्सी को जकड़ के रखा है। यानी यहां जो राज चल रहा है वो नागपुर से चल रहा है। अब ये लोग देशभक्ति की बात करते हैं, देशभक्ति की सर्टिफिकेट बांटने की बात करते हैं। हम पूछना चाहते हैं, जब हम देश से बेरोजगारी हटाना चाहते हैं, जब हम देश में शिक्षा चिकित्सा को सुधारना चाहते हैं, हम पलायन रोकना चाहते हैं, हम अंतिम पैदान पर जो खड़ा व्यक्ति है, जो समाज है, उनको मुख्य धारा में लाना चाहते हैं, हम अमन शांति चाहते हैं, और जो देश के किसानों के उत्थान के लिए जो बात करे वो देशभक्त नहीं है। ये लोग डरा करके रखते हैं, एक ही इनका फॉर्मूला है, मेन जो एजेंडा है, पढ़ाई दवाई कमाई सिंचाई सुनवाई और कार्रवाई वाली सरकार नहीं, गरीबी पे मत बात करो, बेरोजगारी पे मत बात करो, पलायन पे मत बात करो, विशेष राष्ट्र दर्जे की बात मत करो, महिला सुरक्षा के बारे में मत बात करो, बात करो हिंदू की, मुसलमान की, मंदिर की, मस्जिद की, कश्मीर की, इन्हीं पे चर्चा की जा रही है। क्या हो गया? वो लोग भी जानते हैं कि अगर इस पे हम बात करेंगे तो हमको वोट मिल ही रहा है, जब वोट मिल रहा है तो हम क्यों बेरोजगारी मिटाए, क्यों पलायन को रोके, क्यों किसानों के आय को दुगुना करें, ये सारी बातें क्यों गरीबी मिटाए? आज कोई गरीबी की बात नहीं करता, क्यों नहीं करता? और हम लोगों को सोचना पड़ेगा, पहले लोग संपूर्ण क्रांति हुआ सब लोग जेल गए, जेल जाने से कोई नहीं डरा, और लालू जी ने हर एक बैठक में ये बात कही कि जेल जाने से मत डरो, जेल को भरो, तभी जाकर के जो है अधिकार बनेगा, तभी जाकर के सत्ता बदलेगी, तभी जाकर के आप देश का संविधान बचा सकते। तो इसलिए डरने की जरूरत नहीं, लड़ने की जरूरत है और संघर्ष करने की जरूरत है। और आप सब लोग, हम ये भी कहना चाहते हैं कि पूरी तरीके से आज कहीं ना कहीं से आंदोलन तो दूर की बात है, आजकल विपक्ष की भूमिका है कि लोगों को जागरूक करे, जागरूक करने के साथ साथ लोगों को गोलबंद करे, ये हम सब कमियां रह गई। और आंदोलन देश भर की, अगर विपक्ष की बात करें तो आंदोलन तो छोड़िए, आप जो है उस हिसाब से आप जो है आप धरना भी नहीं कर पाए, लोगों तक नहीं पहुंच पाए। तो हम सब लोग एकजुट होकर के लड़ाई लड़ने की जरूरत है, और सिर्फ अपने अपने फायदे के लिए नहीं, आज देश की जो जरूरत है, जो समय की जो जरूरत है, बिहार के गरीबों की जो जरूरत है, उसके लिए हम लोगों को लड़ना होगा। आज हम लोग, लालू जी ने सबसे पहले जाति जनगणना को लेकर के आवाज उठाया, हम धन्यवाद देना चाहते हैं विपक्ष के सभी दलों को, हमारे लेफ्ट के सभी साथियों को, कि सदन से लेकर के सड़क तक आप लोगों ने जातीय जनगणना की लड़ाई लड़ी, तब जाकर के हम लोग कामयाब हो। कोई कल्पना किया था क्या
कि सरकार झुकेगी वही कल्पना नहीं किया था। लेकिन हम इतना कह सकते हैं कि कोई कहता है कि सरकार नहीं झुकेगी, लेकिन उसको हम कहते हैं कि झुकाने वाला चाहिए। और हम सब लोग जब गोलबंद हो जाएंगे, जब जात पात से ऊपर होंगे, असमानता से ऊपर होंगे, भेदभाव को मिटाएंगे, एक होकर के बिहार की जनता के लिए लड़ाई लड़ेंगे, देश की जनता के लिए लड़ाई लड़ेंगे, तो कोई माई का लाल जो है हम लोगों को कामयाब होने से नहीं रोक सकता। ये सच्चाई है। और हम लोगों को चाहे जो कुर्बानी देनी पड़े हम लोगों को देने की जरूरत है, हम लोगों ने भी दिया। अगर हम लोगों के मन में बेईमानी होता, तेजस्वी के मन में, लालू जी के मन में केवल परिवार की बात होती, तो हम भाजपा से समझौता कर लेते, आज हम बिहार के मुख्यमंत्री होते, कौन रोक लेता। लेकिन नहीं, ना लालू जी झुके हैं, ना लालू जी का ये लड़का झुकने का काम करेगा, लड़ाई लड़ेगा, जहां तक लड़ाई लड़नी है लड़ेंगे। और लालू जी ने तो पूरा एक किताब ही लिखा है उन्होंने, गोपालगंज टू रायसीना हिल, वो किताब लिखा, उसमें तो पूरा आंदोलन का और अपने जीवनी का व्याख्यान किया है। वो सब लोगों को पढ़ना चाहिए, जानना चाहिए कि किस मुसीबत के घड़ी जो है लालू जी ने कैसे संघर्ष किया, उस दौर के जितने साथी थे उनके साथ, जेपी जी के अगुवाई में जितने उन्होंने नेता बनाए आज के दौर में, सब लोगों के बारे में। लेकिन बात अभी चर्चा चल रही थी कि भाई एक और अगुवाई थे जो आज कहाँ चले गए, क्यों चले गए। हम लोग तो कभी भगाए नहीं, खुद ही लोग भाग गए। अब क्या चीज का उनका महत्वाकांक्षा रहा, तो महत्वाकांक्षा होना अच्छी बात है, लेकिन अति महत्वाकांक्षी नहीं होना चाहिए। अब निर्णय का बात आ रहा है, क्या है नहीं है, इस पर हमको कोई टिप्पा टिप्पणी नहीं करना। लेकिन जो लोग सत्ता के लालच अगर सांप्रदायिक शक्तियों के सामने घुटना टेक और खुद ही चला जाए, तो इस पे हम लोगों को कुछ नहीं कहना, वो आप लोग जो है सब समझदार लोग हैं, क्या है। तो इसलिए तो जिस प्रकार से लोगों ने जता के रखा, तब दीपांकर जी हिम्मत की बात कर रहे थे, हिम्मत कितनी है नहीं है तो वो तो हम नहीं कह सकते, लेकिन हिम्मत होती तो कम से कम अपना जो वादा किया है, भले ही चोर दरवाजे की सरकार ने 19 लाख रोजगार तो दे देते जो खाली पद पड़ा हुआ है, हिम्मत होती तो बिहार के लिए विशेष राज्य का दर्जा तो मांग लेते, विशेष पैकेज तो मांग लेते, चलो कम से कम इतना ही काम कर देते, तो हमको तो इस पर ज्यादा टिप्पा टिप्पणी नहीं करनी। लेकिन जो माहौल देश का जिस प्रकार से खराब हो रहा है, जिस प्रकार से संघ जो है पूरे देश को हाईजैक करना चाहता है, वो संविधान नहीं बल्कि बंच ऑफ थॉट किताब के आधार पे जो चलना चाहता है, इसकी लड़ाई हम लोगों को पुरजोर तरीके से लड़ना पड़ेगा। तन मन धन लगा करके जो है संघर्ष हम लोगों को करने की जरूरत है। हम ज्यादा कुछ नहीं कहेंगे क्योंकि सारी बातें पूर्व वक्ताओं ने हर एक मुद्दे को उठाया और आरोप पत्र आया है, इसके बाद बाहर आरोप पत्र भी आप लोगों को मिलेगा। लेकिन हमको आज तक समझ में नहीं आया है, सेना के तीनों अध्यक्ष हिंदू हैं, चाहे एयरफोर्स का हो, नेवी का हो, आर्मी का हो, देश के राष्ट्रपति हिंदू हैं, देश के प्रधानमंत्री हिंदू हैं, ऐसा कोई हमको नहीं लगता कि कोई ऐसा राज्य जहां मुसलमान मुख्यमंत्री हो, तब हिंदू कैसे खतरे में, तब हिंदू कैसे खतरे में है, ये बात हमको समझ में नहीं आता। हम इतना ही कह सकते हैं, हिंदू कभी खतरे में नहीं था, ना होगा, कभी नहीं होने वाला है। खतरे में तो उनकी कुर्सी है, इसलिए ये हिंदू को नाम लेकर के कहते हैं हिंदू खतरे में, खतरे में उनकी कुर्सी रहती है। तो इससे हम लोगों को सचेत रहने की जरूरत है। और कोई अगर कहता है कि अल्पसंख्यकों का
विधानसभा में भाजपा के लोग कहने लगे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से जवाब मांगते हैं, उनको जवाब देना चाहिए। जब भाजपा का विधायक और उनके नेता बिहार विधानसभा में खड़े होकर के चिल्ला चिल्ला करके कह रहे थे कि मुसलमानों से उनका वोट का अधिकार ले लो, तो मुख्यमंत्री जी खामोश क्यों थे? हम चाहते हैं जवाब कि मुख्यमंत्री जी इसका जवाब दें, हम चाहते हैं जवाब दें। हम लोग सब लोग लेफ्ट के साथी विपक्ष के लोग हम खुद सदन में खड़ा करके बोले थे किसी माइक के लाल में दम नहीं जो मुसलमान भाइयों से अल्पसंख्यक भाइयों से वोटिंग का अधिकार छीन ले। आज ये केवल मुसलमानों की बात नहीं है, आज मुसलमान है कल दलित है फिर पिछड़ा है। हमें रक्षा करनी है अल्पसंख्यकों के साथ साथ दलितों की भी रक्षा करनी है, गरीबों की भी रक्षा करनी है, शोषित जो समाज है जो अंतिम पैदान पे है उसकी भी रक्षा करनी है। रक्षा करने के साथ साथ उनके लिए आवाज उठाना है, उनको अधिकार दिलाना है, ये हम लोगों की कोशिश होनी चाहिए। इसीलिए लालू जी ने इस पार्टी को बनाने का काम किया था सामाजिक न्याय और धर्म निरपेक्षता। सब लोग जानते हैं कि हम लोगों ने लालू जी ने कितना कुर्बानी दिया, आज भी आप देखिएगा लालू जी को सताया जाता है, लेकिन आप अभी मैसेज में देख लीजिए कहीं से कमजोर नजर आ रहे हैं, कहीं से डरे हुए नजर आ रहे हैं, बल्कि आप लोगों से आह्वान किया है कि उठिए और लड़ाई लड़िए। तो आप लोग हाथ उठा करके सब लोग बताइए लड़ाई के लिए तैयार रही है कि नहीं रही है, दोनों हाथ उठा करके। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।